टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 17 में प्रतिदिन एक नया तमाशा देखने को मिल रहा है। शो में जब से मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड आयशा खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री की है, तब से घर में बहुत कलेश मचा हुआ है। प्रतियोगी के समीकरण ही बदल गए हैं। एक समय जहां मनारा चोपड़ा मुनव्वर को अपना सबसे खास दोस्त बताती थी, वही अब मनारा को वे एक आंख नहीं भाते हैं। इसी बीच अब शो का नया प्रोमो सामने आया है। आगामी एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद मुनव्वर को तगड़ा झटका लगेगा। मुनव्वर की ऐसी स्थिति देखकर आयशा भी पूरी तरह से टूट जाती हैं। बिग बॉस 17 के 29 सितंबर के आगामी एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। इसमें दिखाया गया कि बिग बॉस प्रतियोगी को एक टास्क देते हैं। इस टास्क में कोर्ट रूम का पूरा ड्रामा करना था, जिसमें किसी को मुजरिम बनकर कटघरे में खड़ा होना था तो किसी को वकील बनाना था। ऐसे में मुनव्वर फारूकी को कटघरे में खड़ा किया जाता है तथा विक्की जैन वकील बनकर उनके अब तक के गेम प्लान और रिश्ते पर सवाल उठाते हैं। विक्की ने मुनव्वर से कहा कि शो में उन्हें झूठ बोला। यही नहीं, विक्की ने मुनव्वर की इज्जत की धज्जियां जमकर उड़ाई। वहीं जिस समय विक्की मुनव्वर पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, वहीं सामने बैठकर आयशा चुपचाप सब देख रही होती है। मुनव्वर को सिर झुकाकर चुपचाप सब सुनता देख आयशा अपने आंसू रोक नहीं पाती है। वहीं बाद में मनारा मुनव्वर को गले लगाकर उनसे बात करने का प्रयास करती हैं। वे बोलती हैं कि मुझे 5 मिनट दो, मैं सब क्लियर कर देती हूँ। इस पर मुनव्वर ने उनसे थोड़ा समय मांगा।